पर संसार का दीपक और आपके दीपक में बहुत अंतर है। संसार के दीपक में बहुत सारी चीज़ें चाहिए और उसमें भी गारंटी नहीं है कि थोड़ी हवा आए तो क्या हो जाए, बुझ जाए, और वो कितना लोगों को प्रकाशित करेगा ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन आप ऐसे अद्वितीय दीपक हैं जिसमें धूप नहीं है, वाती नहीं है, तेल नहीं है, और प्रलय काल की वायु जिसमें पर्वत भी हिल जाएं, चलायमान हो जाएं, ऐसी वायु भी यदि आ जाए तो आपका दीपक ऐसा दीपक है जो जगत प्रकाश, जगत को प्रकाश करता है, अपर है, अद्वितीय है। इस प्रकार त्वम दीपो, आप दीप हैं, आप क्या हैं, ऐसे दीप हैं। नाथ, हे नाथ, हे स्वामी। तो भगवान के केवल ज्ञान को ही दीपक बोला है। भगवान का जो केवल ज्ञान है वो दीपक की तरह है, जो वाणी उनकी सुनता है, समझता है, तो समस्त जीवों के अज्ञान अंधकार दूर होते हैं। नारकी, देव, त्रियंश, मनुष्य, कोई भी भगवान की वाणी जहाँ तक पहुँचती है तो वो चारों गति के जीव उससे भगवान की वाणी से सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं। मिथ्यात् का अंधकार दूर होता है, सम्यक् का प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए प्रभु आप ऐसे अद्वितीय दीपक हैं, ऐसी उपमा दी है। ओम ह्रीम अरहम नमो चौदस पुवीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमानाम देवी सर्व समीहितार्थम वज्र श्रृंखलाम कुरु कुरु स्वाहा। कोई भी अपना प्रतिद्वंदी हो, शत्रु हो, अवरोधक हो, वो सब इससे अवरोध हो जाते हैं। सूर से भी अधिक महिमावंत ज्ञान भानु नास्तम कदाचिदुपयासी कदाचिदुपयासी न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भो धरोधर नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिसाई महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भो धरोधर निरोध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके बोलिए। वहाँ दीपक की उपमा दी, यहाँ पर सूर्य की उपमा दी, पर ये सूर्य नहीं। बोले ये सूर्य कैसा है? ना अस्तम, ना अस्तम, जो अस्त नहीं होता है, ना अस्तम। कदाचित उपयासित, कदाचित कभी भी, कदाचित कभी भी उपयासी नहीं होते हैं, कभी भी अस्त नहीं होते हो, कभी भी अस्त नहीं होते हो।
ना राहु गम्या, ना ही राहु से ग्रसित होते हो। ये वाला सूर्य तो कैसा है, अस्त हो जाता है, शाम को अस्त हो जाता है, फिर सूर्य उदय होगा। और कभी कभी बीच में कौन सा ग्रहण लग जाता है, राहु ग्रहण लग जाता है, तो राहु से ग्रसित हो जाता है, नीचे राहु आ गया तो पूरा काला पड़ जाता है, ठीक है ना। तो बोले ये सूर्य में कमी बहुत है, अस्त भी होता है और राहु से। पर आप कैसे सूर्य हो, आप ऐसे ज्ञान सूर्य हो, ना तो राहु से ग्रसित होते हो और ना ही कभी अस्त होते हो। एक बार प्रकट हुआ सो ना राहु गम्या और ना राहु से ग्रसित होते हो। स्पष्टी करोसी, स्पष्टी प्रकाशित करते हो, स्पष्टी करोसी क्या करते हो, स्पष्ट प्रकाश करते हो, स्पष्टी करोसी प्रकाशित करते हो। सहसा सहज ही, सहसा सहज ही प्रकाशित करते हो, क्या प्रकाशित करते हो, युगपत जगंती, युगपत जगंती तीनों लोकों को युगपत एक साथ प्रकाशित करते हो। कैसे प्रकाशित करते हो, सूर में कमी क्या है, अभी यहाँ प्रकाशित कर रहा है, फिर जा करके कहीं और प्रकाशित करेगा, लेकिन आप कैसे हो, युगपत एक साथ तीनों लोकों को, तीनों लोकों को सहसा सहज रूप से ही क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते हो। ना अम्बो धरोधर, अम्बो धर क्या होता है, अम्बो मतलब पानी, धरोधर धारण करने वाला, उधर मतलब मेघ, ये पूरा नाम किसका हो गया, मेघ, किसका नाम है, अम्बो धरोधर मेघों के द्वारा, किसके द्वारा, मेघों के द्वारा आपका निरुद्ध महाप्रभाव, निरुद्ध है रोकना, रुकता, महाप्रभाव, महाप्रभाव रुकता नहीं है, ना अम्बो लिखा है ना, ना वहाँ से निकल जाएगा, ना निरुद्ध महाप्रभाव। क्या होते हैं ये वाले सूर्य में, मेघ आ गया तो फिर ढक गया, फिर प्रकाश नहीं आ रहा, फिर रुक गया प्रकाश उसका। बोले कि आप कैसे सूर हो, निरुद्ध महाप्रभाव, आपका जो महाप्रभाव हो निरुद्ध, रुकता नहीं है, किन से नहीं रुकता, अम्बो धरोधर मेघों के द्वारा आपका महाप्रभाव रुकता नहीं है, ना नहीं रुकता है। अथा सूर्यातिशायी, सूर से भी अतिशय, अतिशयम अतिशयाई, सूर से भी अतिशय युक्त महिमा, महिमा वाले असी मतलब हो, महिमा असी, असी मतलब हो, आप सूर से भी अतिशय महिमा वाले हो, हे मुनीन्द्र लोके लोक में, हे मुनीन्द्र, हे आदिनाथ भगवान लोक में आप कैसे सूर हो, ये लोकल सूर नहीं, ऐसे सूर हो कि कभी भी आपको, आप अस्त नहीं होते हो, कभी राहु आपको ग्रस्ता नहीं, और आप युगपद एक साथ तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं, और कोई भी मेघों के द्वारा आप का प्रभाव रोका नहीं जा सकता है, ऐसे आप अतिशय युक्त महिमा वाले शूर हो, हे मुनीन्द्र। कितनी सुंदर बात कही, वहाँ दीपक की उपमा दी, दीपक की कमियाँ बता दी कि दीपक में बहुत कमियाँ हैं, बोले सूर में कमी तो नहीं होगी ना, अरे भैया सूर में भी बहुत कमी है, पर हे प्रभु आप में ऐसी कोई कमी नहीं है जो किसी बाधाओं के द्वारा बाधित हो जाए, ऐसे हे प्रभु आपका ज्ञान रूपी सूर है जो युगपत तीन लोक को प्रकाशित करता है, जो कभी भी कर्मों से आवृत पुनः नहीं हो सकता है, और आपके ज्ञान को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, इस प्रकार से भगवान आप ऐसे हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो, अठांग महानिमित्त कुशलाणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा, ओम नमो नमयूण अठे मुठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ा
निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से कोई भी शरीर में पेट में आदि दर्द हो तो इसका जाप आदि कर सकते हैं। आज 18 नंबर काव्य भगवान का मुख चंद्र, मुख चंद्र कैसा है, अद्भुत है। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम विव्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकांति विद्यो तयज जगत, विद्यो तयज जगत पूर्व शशांग बिम्बम नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानाम् विव्राजते तव मुखाब्जिन्मनल्पकान्ति विद्योतयत् जगत पूर्व शशांक बिम्ब बिम्बम, शशांक बिम्बम। ठीक है, आगे पढ़ना, एक साथ पढ़ो सब लोग। नित्योदयम बहुत सुंदर। नित्योदयम, नित्य ही उदय, नित्य ही उदय है। चंद्रमा का उदय नित्य नहीं है, परिक्रमा लगाता है ना वो सुमेरु पर्वत आदि की, तो अभी रात को उदय में हो जाएगा और सुबह टाइम वो फीका पड़ जाएगा। तो बोले नित्योदयम, कैसे हैं आप, नित्य ही उदय। जैसे बताया था सूर्य के बारे में, सूर्य भी नित्य उदय में नहीं है, वैसे तो नित्य उदय उसका रहता है, अपना जहाँ जहाँ जा रहा उदय ही है उसका, लेकिन हमारे क्षेत्र की अपेक्षा से, भारत क्षेत्र आदि की अपेक्षा से, कि वो जैसे सुमेरु पर्वत के पीछे जाता है तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना, और फिर बाद में सुबह निकल के आता है तो उदय होता है, तो उसको हम बोलते हैं सूर्य का अस्त होना और उदय होना, ऐसे चंद्रमा का उदय होना और अस्त होना। लेकिन आप कैसे हैं, नित्योदयम, कैसे हैं, सदा ही उदयवान हैं, उदित रहने वाले हैं, पहला विशेषण। दूसरा, दलित नष्ट करने वाले, क्या करने वाले, दलित नष्ट करने वाले, क्या नष्ट करने वाले, मोह महा अंधकारम। मोह भी कैसा, महान मोह है, ऐसे अंधकार को, महाअंधकार, मोह रूपी महाअंधकार, अर्थात मिथ्यात्व, अर्थात मोहनी कर्म, ऐसे मोह राग द्वेष आदि ये अंधकार हैं, अज्ञान अंधकार हैं, ऐसे महामोह अंधकार को दलित क्या करने वाले, नष्ट करने वाला, हमेशा उदित रहने वाला, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, और गम्यम ना, जो गम्यम ना हो, जिसको ग्रसा ना जा सके, जिससे छुपाया ना जा सके,
जिसे आवरण ना किया जा सके, जिसे ढका ना जा सके, ऐसे किससे? राहु वदनस्य और ना वारी दानाम, दो चीज़ दी हैं। राहु वदन, वदन मतलब मुख, और वदन मतलब क्या होता है? चेहरा, मुख। राहु के मुख के द्वारा और ना वारी दानाम, वारी मतलब होता है जल, और क्या लिखा है? दान। जल का दान करने वाले को क्या नाम बताया? मेघ है। वारी दान, वारी का दान, जल का दान करने वाला कौन है? मेघ बादल। क्या नाम दिया, ढूंढ के बताओ। वारी दान, जल का दान करने वाला, मतलब मेघ का नाम है वारी दान, जो जल का दान करता है हम लोगों पर, दया कितनी करता है देखो अपन पर। वारी दान, बोले मेघ, बोले कैसे हैं आप? ना तो राहु के मुख से ना ग्रसित हो सकते हैं, ना छुपाए जा सकते हैं आप, और ना ही मेघों के द्वारा आप छुपे जा सकते हैं, ठीक है ना। देखो सूर्य आए और मेघ आ जाए तो क्या हो जाए? चंद्रमा है, अब रात का चंद्रमा उदित हुआ और मेघ आ गए काले काले, तो चंद्रमा दिखाई देता है क्या? ठीक है ना। ऐसी राहु आदि ग्रह आ जाए तो ये राहु चंद्रमा सूर्य आदि दिखाई नहीं देते हैं, यदि इस प्रकार से बड़े बड़े ग्रह सामने आ जाए तो। तो बोले कि आप ऐसे हैं कि ना राहु वदनस्य ना वारी दानम, ये तो क्या है, इनकी सीमा है, इनमें तो कमी है, इनमें तो क्या है, कमी है। नित्योदयम, हमेशा उदित रहने वाला, महामोहांधकारम दलितम, महामोहांधकार को नष्ट करने वाला, और राहु वदनस्य ना वारी दानम ना गम्यम, जो न राहु के मुख द्वारा और ना ही मेघों के द्वारा, गम्यम ना, जो ग्रसा नहीं जाता है, छुपाया नहीं जा सकता है। अब राहु के स्थान लगाएंगे ग्रस, ग्रसना, ठीक है ना, और वारी के वारी दान के लगाएंगे मेघ के लिए छुपाना, जैसे सूर्य को छुप गया, ठीक है ना। और ये राहु कैसा होता है कि उसी के नीचे आ गया पूरा, तो कहाँ प्रकाश था, पूरा काला पड़ गया, ठीक है ना। तो उसको समझ लो ऐसा लगे जैसे ग्रस लिया हो। आपने कोई फोटो देखी होगी ना कि मुंह के अंदर पूरा चंद्रमा जा रहा है या सूर्य जा रहा है, अंदर ग्रस लिया, खा लिया, ठीक है ना, और मेघ मतलब मेघ ने छुपा लिया। तो ये ऐसी बातें हैं, खाता कोई नहीं है, वो तो एक सूर्य चंद्रमा एक ग्रह हैं, उसके नीचे राहु केतु आदि चलते हैं, वो अपनी चाल से चल रहे हैं और इस प्रकार से वो बीच में आ जाते हैं तो छुप जाते हैं।